आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम राजस्थान स्पेशल में। बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां पर मौसम ने अचानक करवट बदल ली है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, अचानक से हुई बरसात से सरसों व चने की फसलों पर क्या असर पड़ा है राजस्थान में? बिल्कुल मुसर्रफ राना, मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में अचानक जो मौसम पलटी खाया है, उससे बुधवार रात्रि को तेज हवाओं के साथ में आसमान में घने काले बादल छा गए हैं, जहाँ पर प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित आसपास के जो जिले में हैं और सहित ही पूरे प्रदेश के अंदर घने काले बादल छाए हुए, साथ ही कहीं पर तेज तो कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। इससे जो अक्टूबर नवम्बर माह में जो रबी की फसल की बुआई की जाती है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, इसमें अत्यधिक फायदा होगा। वहीं किसानों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि जो सर्दी के समय पे जो बारिश होती है उसे मावट कहा जाता है, और अगर मावट समय पे हो जाती है तो रबी की फसल को काफी फायदा होता है। पुरुषोत्तम, हल्की बारिश से सर्दी का असर भी शुरू हो गया है, फसलों में क्या नई जान आ सकेगी इस बरसात से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर जो ये अचानक मौसम पलटा है, उसे सर्दियों हवाओं के साथ में गुलाबी ठंडक बढ़ी है, इससे जो रबी की फसल होती है उसकी ठंड की जरूरत होती है, और इसी से फसलों को अधिक। शुक्रिया पुरुषोत्तम तिवारी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुख करते हैं राजस्थान के नागौर का, जहाँ से हमारे संवाददाता श्री राम स्वामी लाइव जुड़ चुके हैं। श्री राम स्वामी, अचानक मौसम के बदलाव से किसानों का रवैया कैसा है राजस्थान में, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, यहाँ अगर किसानों के रवैये को देखा जाए तो किसानों में अधिकतम काम कर लिया गया था खेतों में, और खेतों में अब जो है नई फसल बोने की तैयारी हो गई थी, रबी की फसल बोने जा रहे थे किसान। उसमें यहाँ पे नागौर में देखा जाए तो गेहूं होता है, जौ होता है, चना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट नागौर में नागौरी मेथी होती है जो विश्व प्रसिद्ध रही है, उसकी खेती की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। तो ये जो कल बारिश आई है, ये काफी उनके लिए बेनिफिशियल है। सर श्रीराम, बरसात के बाद क्या ठंड बढ़ सकती है राजस्थान में? बरसात के बारे में पूर्व तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली थी कि भाई किस तरीके से ये काम किया जाए, किस तरीके से बारिश वगैरह हो या किस तरीके से नहीं हो। तो ये अचानक रात को 4 बजे बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसमें किसानों को बेनिफिट भी है और थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ लास्ट में। श्रीराम, अचानक से हुई बरसात से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा इसका राजस्थान में, इस पर क्या कहेंगे आप? राजस्थान में किसानों में एक तरफ तो देखा जाए तो किसान अंतिम चरण में काम कर रहे थे, तो कुछ किसानों को ही नुकसान है, अधिकतम किसानों को लाभदायी रहेगी है। ये सर पश्चिमी विक्षोभों के कारण आने वाली बारिश होती है, सर्दियों में जो बारिश आती है इसको मावट कहते हैं, और ये जो मावट है ये किसानों के लिए गोल्डन ड्रॉप्स का काम करती है, यानी फसलों की एक क्रिटिकल स्टेज होती है, इस समय उनको सिंचाई की आवश्यकता होती है, उस सिंचाई की आपूर्ति है इसे बारिश ने कर दी है। सर शुक्रिया श्री राम स्वामी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।